हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार चौधरी, 10 टाइम्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कंप्यूटर और टाइपिंग से संबंधित नई नई जानकारियों के साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। जो अंग्रेजी में टाइपिंग जानते हैं उनके लिए पहली विधि अभ्यास 4। W बड़ा U के लिए, E म के लिए, R त के लिए, T जा के लिए और Y ला के लिए दबेगा। जैसे हम अंग्रेजी में जो है अपनी फिंगर पोजीशन A S D F पे रखते हैं, वैसे रखेंगे। यहाँ से सेमी कॉलम L K और J पे रखेंगे और आप अब ऊपर की कीज़ के की जो है प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में। तो सबसे पहले जो है हमें बड़े ऊ की मात्रा दबानी है, इससे डब्लू से दबेगा, इससे हम बड़े ऊ की मात्रा दबाएंगे। बड़े ऊ, 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 बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। जैसे ही स्क्रीन की जो है दो लाइन ये कंप्लीट हो जाती हैं, फिर जो है आप अगली जो है की को दबाएंगे, वो है ई। ई से जो है म दबेगा, म। जैसे ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की दो लाइन ये म की कंप्लीट होती है, उसके बाद जो है आप त दबाएंगे, वो आर से दबेगा, त 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 त। जैसे ही आपकी जो है ये स्क्रीन की दो लाइन कंप्लीट हो जाती है, फिर अगला जो है आपका की जो है ज दबेगा, वो जो है टी से दबेगा, ज 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 ज। जैसे ही दो लाइन कंप्लीट होती है स्क्रीन की, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ये फॉन्ट है वो 20 का रहना चाहिए। जो ये आप टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, इसका फॉन्ट जो है 20 रखना है आपको। उसके बाद जो है अगला जो अक्षर आता है वो है ला, वो आप वाई से दबाएंगे, ला 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 ला। जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन की दो लाइन कंप्लीट करते हैं, ओपन ब्रैकेट से आधा ख, पी से च, ओ से व, आई से प, यू से ना दबेगा। पी के बगल वाला है ये ब्रैकेट है, इसको हम दबाएंगे तो ये ख दबेगा, आधा ख, ख ख ख ख ख ख ख ख ख, आधा 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 ख। जैसे ही स्क्रीन की दो लाइन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो है हम पी दबाएंगे, जिससे च दबता है, च 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 च। स्क्रीन की दो लाइन कंप्लीट होते ही अब अगला जो है अक्षर हम जो है व दबाएंगे, जिससे ओ से दबता है ये, व 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 व। जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन की दो लाइन कंप्लीट होती है, फिर प दबाएंगे, जो आई से दबेगा, प 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 प। इसकी भी जो दो लाइन कंप्लीट होते ही, उसके बाद हम अच्छा अगला अक्षर जो है ना दबाएंगे, जो यू से दबेगा, ना 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 ना। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि जिनकी जो अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरीके से स्पीड है और वो इस विधि के माध्यम से जो है की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इस प्रकार से जो है की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हिंदी टाइपिंग में ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए दूसरी विधि अभ्यास 4।
W से बड़ा उ, E से म, R से त, T से ज और Y से ल दबेगा। दूसरी विधि के माध्यम से जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, दूसरी विधि जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिल्कुल ही सीधा हिंदी की टाइपिंग जो है कर रहे हैं कीबोर्ड पे। तो सबसे पहले उन जो है छोटी उंगली एस पे, फिर उससे अगली डी पे, फिर उससे अगली एफ पे और उससे अगली जो है आपकी जी पे रहेगी। और इधर से जो है दाएं हाथ की जो है सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा, फिर सेमी कोलम, फिर एल और फिर यहाँ आप के पे रहेगी। और सबसे पहले जो है हम जो है बड़ा ऊ की मात्रा इसे टाइप करेंगे छोटी उंगली से, जैसे ये बड़ा ऊ 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 बड़ा ऊ। जैसे ही आपके दो स्क्रीन की दो लाइन कंप्लीट होती है, फिर आप अगला अक्षर आप टाइप करेंगे वो है ई, इससे म दबेगा, मा। अब जैसे ही आपकी जो है ये दो लाइन कंप्लीट होती है स्क्रीन की, उसके बाद जो है अगला अक्षर जो है ता दबेगा, जो आर से दबेगा, ता 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 ता। जैसे ही आपकी जो है ये दो लाइन कंप्लीट होती हैं स्क्रीन के, कंप्यूटर स्क्रीन के, फिर अगला अक्षर जो है जा दबेगा, जो टी से दबेगा, जा 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 जा। जैसे ही दो लाइन कंप्लीट हो जाती हैं स्क्रीन की, उसके बाद जो है अगला अक्षर जो है आपका जो है ला दबेगा, जो वाई से दबेगा, ला 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 ला। इस प्रकार से जो है आपकी जो है ये दाएं हाथ की जो है कीज जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। ओपन ब्रैकेट से आधा ख, पी से च, ओ से व, आई से प और यू से न दबेगा। पी के बगल में जो ये ब्रैकेट देख रहे हैं इससे आधा खा दबता है, आधा खा आधा खा आधा खा आधा खा आधा खा। छोटी उंगली से टाइप करेंगे इसे, आधा खा 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 आधा खा। जैसे ही आपकी जो है कंप्यूटर स्क्रीन की दो लाइन कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट फिंगर का इस्तेमाल करेंगे पी के लिए, जिससे च दबता है, च 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 च। उसके बाद जो है जैसे ही ये कंप्लीट होती है इसकी भी दो लाइन, उसके बाद हम अगला अक्षर जो है वा, जिससे ओ दबाएंगे, जिससे वा दबता है, वा 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 वा। जैसे ही कंप्लीट होती हैं इसकी दो लाइन जो है कंप्यूटर स्क्रीन की, उसके बाद जो है अगला अक्षर जो है हम प दबाएंगे आई से, पा 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 पा। इसकी भी जैसे ही दो लाइन कंप्लीट हो जाती है, फिर अगला अक्षर जो है हम ना दबाएंगे, जो यू से दबेगा, ना 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 ना। इस प्रकार से जो है आपका यह भी अक्षर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से जो है आपकी दूसरी विधि भी अभ्यास पाँच में जो है अब इस प्रकार से समाप्त होती है। धन्यवाद।